हाँ तो बस वही मतलब पकौड़ी चाय खाने का मन और समोसे चाय मुझे नहीं मालूम है गाना। ओह माय गॉड। रिम जिम हो हो रुम जुम हा हा भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते हैं चलते हैं। या दैट्स अ नाइस सॉन्ग। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ श्रुति उल्फत और आप देख रहे हैं टेली रिपोर्टर। हेलो नमस्ते एवरीबॉडी। तो भाई वर्षा ऋतु आ गई है हिंदुस्तान में और मुंबई में तो बहुत ज़ोर शोर से आ गई है, जम के बारिश हो रही है यहाँ पर रोज़। तो टेली रिपोर्टर में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टेली रिपोर्टर में। थैंक यू। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बारिश का मौसम है। मुझे बारिश बहुत पसंद है और लोग कितने लोग बोलते हैं कि नहीं बहुत स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। आई नो तकलीफ़ें भी बहुत होती हैं बिकॉज़ रोड्स अच्छी नहीं होती हैं और मुसीबतें होती हैं कितने लोगों को, बट आई लव द रेन्स बिकॉज़ मैं जब देहरादून में थी, बिकॉज़ मैं वहाँ की हूँ, तो वहाँ पर तो आंधी तूफान आता था जब बारिश होती थी और बिजली कड़कती थी, बादल गरजते थे। यहाँ पे वो थोड़ा कम होता है लेकिन यहाँ पे ज़ोर शोर से बारिश होती है। और मेरे ख्याल से मुंबई में जो बारिश है वो ऐसी है कि कोई बोलेंगे ना अरे कितनी बारिश हुई, तो मैं बोलूँगी हफ्ते में ना दो बार बारिश हुई। अच्छा हाँ, एक दिन चार दिन और एक दिन तीन दिन, सो बेसिकली ऑल द सेवन डेज इट्स रेन्स हियर। तो बहुत ज़ोर से बारिश होती है एंड मच नीडेड बारिश है, ज़रूरी भी है पेड़ पौधों के लिए। पूरे पेड़ पौधे जो धूल मट्टी से यू नो भन जाते हैं पूरे रेस्ट ऑफ द ईयर में, वो इन इस बारिश के समय धुल जाते हैं और बहुत ही हरियाली लगती है फिर। एंड हम मेरे लिए सौभाग्य ये है कि हम यहाँ फिल्म सिटी में शूट कर रहे हैं तो यहाँ पर तो बहुत ही ग्रीनरी है बिकॉज ये संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क का हिस्सा है। तो यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, हरियाली है और पंछी हैं खूब सारे और तेंदुए भी हैं, यू नो, बट इट्स अ ब्लेसिंग टू बी हियर। और आपने देहरादून की बात की, तो हाँ जी, की अगर तो मेमोरी की बात करें बारिश की, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत सुंदर होती है। हाँ, कोई मेमोरी आपको याद है कजिन्स वगैरह मिलके मस्ती करते हो? मस्ती तो मतलब हम हमेशा ही करते थे, बारिश में भीगना और यू नो उस समय इवन नाउ मतलब मुझे कोई वो नहीं है, हम लोग कभी भी नहीं सोचते थे अरे पैर गंदे हो जाएंगे, अरे मिट्टी गीली, ऐसा कभी नहीं सोचा। लेकिन जब बारिश होती थी ना तो मज़े आते थे कि रेनकोट पहनेंगे और गमबूट्स पहनेंगे, तो वो सारी चीज़ें स्कूल में, फिर गमबूट्स पहनते थे, रेनकोट पहनते थे, फिर जब रेनकोट पहनते पहनते थक जाते थे तो हमें लगता था हम कब बड़े होंगे, कब हम छाता ले सकते हैं, बिकॉज बचपन में रेनकोट लेते हैं, छाता नहीं लेते थे। बट फिर थोड़े बड़े हुए तो फिर छाता लेने लग गए, यू नो, कलरफुल अम्ब्रेलाज लेना, हर साल नया लेना। बट आई लव वेयरिंग गमबूट्स। और अब तो अलग अलग किस्म के रेनी शूज़ आ गए हैं, सैंडल्स आ गई हैं, यू नो, तो अब क्रॉक्स वगैरह बहुत पहनने लगे हैं सब लोग, तो एक अलग चार्म होता है। और यहाँ पर ऑफकोर्स इस समय शॉर्ट्स पहनने का मज़ा होता है बिकॉज फिर लंबे लंबे कपड़े पहनेंगे तो गीले हो जाते हैं। और देहरादून की यादें मुझे एक और बहुत थी कि हम भुट्टा खाने का इंतज़ार करते थे बिकॉज बरसातों में भुट्टा जो है वो आता है, भुट्टा मतलब कि मकई यानी कि मेज़ यानी कि कॉर्न। तो वो सारी चीज़ें उस समय भून के ठेली वाला आता है, भुट्टा खिलाता है, उसमें नींबू और मसाले के साथ उसे अच्छे से उसमें लगाता है, एंड यू नो दैट इज समथिंग। एंड देन ऑफकोर्स समोसे चाय, पकौड़ी चाय, ये सारी चीज़ें जो हैं वो घर में बहुत बनती हैं, तो इन सब का मज़ा लेना, तो आई मिस दैट। ऑफकोर्स अब पकौड़ी वगैरह तो नहीं खाती हूँ ज़्यादा बिकॉज आई एम लिल कॉन्शियस अबाउट हेल्थ एंड बट या आई मिस इट। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और जिस दिन मन करेगा तो उस दिन खा भी लूँगी, ऐसा नहीं है, बट ये सारी चीज़ें मज़े आते हैं और मज़ा आता है, अंदर घुस जाओ यू नो रजाई में और टीवी देखो घर में। और सबसे सुंदर चीज़ मुझे ये लगती थी कि बारिश के समय क्योंकि काले बादल हो जाते हैं ना, तो अंदर कमरे में उस समय लाइट जलाओ ना,
तो बड़ा मजा आता है, इट्स अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर. आप भी ट्राई करना ऐसे जब थोड़ा सा काला हो जाए, मतलब उजाले के टाइम, दिन के समय थोड़ा सा काला हो जाए, उस समय घर के अंदर लाइट जलाओ, जब थोड़ा अंधेरा हो जाता है तो बड़ा मजा अच्छा लगता है, इट्स अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर. बारिश का मौसम हो और बच्चों को बहाना बनाने का मौका मिल जाता है, आपके बच्चों के साथ ऐसा हुआ हो या आपने किया हो कि बारिश आ रही है तब? हाँ हाँ, ये भी बहुत होता है, अरे बहुत बारिश हो रही है अभी कैसे जाएंगे. आजकल मैंने देखा, बट मैं बताऊँ, ऐसा शुरू में थोड़ा होता था, बट देन आई लव्ड स्कूल, आई लव्ड बीइंग विद फ्रेंड्स इन स्कूल. तो उस समय मज़े आते थे, क्योंकि कभी कभी क्या होता था, टीचर नहीं आती थी तो फ्री पीरियड मिल जाता था, तो ये सारी चीज़ें, और फिर गीले हो रहे हैं, ये हो रहा है, और फिर बाहर नहीं जा पा रहे हैं ब्रेक के टाइम, तो वहीं पर क्लास में सब मस्ती कर रहे हैं ड्यूरिंग द इंटरवल. तो ये सारी चीज़ें एक मतलब बोल सकते हैं हम लोग उसमें खूबी ढूंढ लेते थे, यू नो, बिकॉज फ्रेंड्स के साथ मज़ा आता है. और अब जाके मैं देखती हूँ यहाँ पर मुंबई में कभी कभी, बिकॉज जब बरसात बहुत हो जाती है तो पानी भर जाता है रोड्स में, तो उस वजह से स्कूल्स जो हैं वो बंद भी हो जाते हैं. तो उस समय बड़े बच्चे बड़े खुश होते हैं, मेरा बच्चा भी बहुत खुश होता था, उजस्य ये आज छुट्टी है. और सबसे कमाल की और अद्भुत बात ये थी कि जिस दिन बोलते थे कि फोरकास्ट में आज बहुत बारिश होगी, कल बहुत बारिश होगी, तो जिस दिन स्कूल होता है उस दिन बारिश होती थी, और जिस दिन पता चला कल छुट्टी हो गई तो कल बारिश ही नहीं है, धूप निकल गई है. तो ये भी हुआ है, बट इट्स फन फॉर चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें हुई. तो बट अच्छा मौसम है, अच्छा है खेत खलिहान के लिए, अच्छा है, लेकिन ज़्यादा भी ना हो, बिकॉज उससे भी फिर खेत खलिहान पर इफ़ेक्ट पड़ता है, और फिर ऑफकोर्स सब्जियों का दाम बढ़ जाता है. तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, पर इट्स नाइस, इट्स ब्यूटीफुल. ये तो मस्ती की बात हो गई, तो बात करें ट्रैजिक मोमेंट की, तो फिर कभी ऐसा होता है बारिश की वजह से आप कहीं फंस गए हो? July 26 मुंबई में, आई रिमेम्बर मैं उस समय आज की श्रीमान श्रीमती कर रही थी, एंड हम शूट करते थे चारकोप में, मड आइलैंड के उधर जाते हुए, मलाड के उधर, एंड मेरा कॉल टाइम उस समय 12 बजे था. तो मैं घर से निकली तो थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी, तो आस्ते आस्ते जब वहाँ पहुँची तो बहुत ही बारिश शुरू हो गई, एंड लोग अपना यू नो फ्लड भरने, पानी भरने लगा रोडों में. एनीवेज हम वहाँ चले गए, जब जब हम चले गए वहाँ पर, तो देखा तो वहाँ पर तो सेट जो है आधा, मतलब पूरा जो सेट है वो ग्राउंड फ्लोर तो पूरा ऑलमोस्ट भर गया था पानी से, लाइट चली गई थी बिकॉज मीटर उसमें पानी चला गया था, मीटर जो रूम है उसमें. और हम लोगों को समझ में नहीं आया, पता चल रहा था कि सब जगह जो है बुरी तरह से पानी भर गया है, एंड लोगों को समझ नहीं आ रहा है, जो टाउन साइड है वो टाउन में ही अटक गए हैं, जो इस तरह सबर्ब्स में है वो सबर्ब्स में ही अटक गए हैं. तो हम लोग वहाँ पर, और उस दिन मैंने सलवार कमीज़ पहन के गई थी, तो मैं पूरी गीली हो गई थी लिटरली, सो मैंने सेट के ही कपड़े पहने. और शाम के वक्त फिर बोला चलो शूटिंग तो हो नहीं सकती, सब जगह से खबर आ रही है कि भाई अपने अपने घरों में चले जाइए, बिकॉज इट्स वेरी, इट्स नॉट सेफ, इट्स डेंजरस टू बी आउटसाइड. और आप जानते हैं कि यहाँ पर गटर बहुत हैं, तो समझ में नहीं आता कब कौन किस गटर में घुस जाए, कब क्या हो जाए, और ऐसा हुआ भी है, यू नो, विच वॉज़ वेरी सैडनिंग. तो हम लोग फिर वहाँ से चारकोप से हम लोग चलते गए, हम पैदल चले, मैंने अपनी गाड़ी जो है, मेरा ड्राइवर उस समय आनंद जी थे ड्राइवर, तो उन्होंने बोला मैम मैं मठ की तरफ जाता हूँ, बिकॉज वो ऊँचाई में है. और यू वोंट बिलीव इट, हम जाते जाते भी मैं, हमने बिस्लरी की बॉटल काट दी थी और उससे हम पानी गाड़ी से निकाल रहे थे बाहर, और वो बार बार रेस देते जा रहे थे ताकि पानी अंदर ना घुस जाए वायरिंग में और गाड़ी ना ठप पड़ जाए. तो ये भी हो रहा था, माई फ्रेंड शोनाल एंड मी वी वर सिटिंग, और हम पानी निकालते जा रहे थे. फिर एक जगह आकर वो मड की तरफ चले गए, और हम पैदल चलते चलते आई केम टिल ऑलमोस्ट 4-5 kilometers, और फिर मेरा राखी ब्रदर वो मुझे लेने आया, और फिर मैं मलाड में नॉबिट के पास, वहाँ पर उनके साथ माई फ्रेंड एंड वी स्टेड इन देयर हाउस. एंड मेरे घर में अंधेरी में वहाँ पर वहाँ के जो लोग थे जो उधर गए थे, जो जानने वाले थे, वो मेरे घर आके रुके. तो ऐसा हो गया था, सेल फोन्स वर डाउन, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और इट वॉज़ अ क्रेजी मोमेंट फॉर मुंबई. या सो दैट वॉज देयर. सो ये भी है, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, अच्छाई होती है, बुराई होती है, वही है बस हम कैसे उसको संभाल ले, उसमें संतुलन बनाए रखें और आगे बढ़ें. तो लास्ट में आपसे एक बारिश के मौके पर एक गाना सुनना चाहेंगे, जो आप काफ़ी ज़्यादा सुनते हो बारिश के मौके पर. ओ, कौन सा है? आप ही सुझाव दे दो. कोई पुराना गाना है, कुछ भी बारिश. वो ये कौन सा है? नहीं मुझे नहीं मालूम ये गाना. ओह माय गॉड, बारिश. अरे रिम झिम रिम झिम हो रुम झुम हा
भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते हैं चलते हैं. या दैट्स अ नाइस सॉन्ग. थैंक यू. ओके, हैप्पी मॉनसून. बारिश का मजा लीजिए.